इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। पुराणों में बड़ी ही मधुर कथा है। चार पीढ़ियों के तपोपरांत महाराज भगीरथ के तप पर गंगा माँ ने मृत्युलोक पर आने का संकल्प किया। थोड़े लोग हैं आप लोग, परंतु यह निश्चित है कि कलिकाल में घर द्वार छोड़कर हरिद्वार आना, सोचना, पहुंच जाना बड़ा कठिन काम है, सरल नहीं है। हम लोगों के लिए सरल इसलिए है कि हम लोगों के पास कोई और काम नहीं है, कथा बांचना है चाहे जहाँ ले जाओ, परंतु आप लोगों का सब कार्य छोड़कर भगवान के निमित्त यहाँ आना, उत्सव में आना, कथा में आना एक कठिन कार्य है। फिर भी आपको मैं दो तीन बातें प्रतिदिन निवेदन करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। आप में से कोई यह न माने कि हम जो कर रहे हैं भगवत भजन पूजन जप तप, ये मेरे तक के लिए है, मेरे लिए है। बेसिकली मैं तो नहीं मानता, मैं प्रेम भूषण ये नहीं मानता कि जो मैं कर रहा हूं इसका फल मुझे प्राप्त होगा, नहीं होगा। देखिए, श्री महाराज जी ने आपको सुनाया होगा, यही विधि बीते बरस खट, खट माने छह, सहस बारिया संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर, बरस सहस दस त्याग्यो सो ठाढ़े रहे एक पग दो। 30,000 वर्ष तक 6 × 7 = 13 × 10 = 23, 23,000 वर्ष तक जब मनु जी महाराज और शत्रुपा अम्बा ने तप किया तब भगवत दर्शन हुआ, और फिर क्या मिला? तो भगवान पुत्र होके आने का वचन दिए, मैं ही आऊंगा। लेकिन अब देखिए, महाराज के दो पुत्र हैं, कौन? महाराज उत्तानपाद, महाराज प्रियव्रत। प्रियव्रत तो भगवान के भक्त थे, उत्तानपाद को राजसत्ता महाराज ने दे दी। बाबा का किया गया तप ध्रुव जी महाराज के अंदर उतरा। हम आप जो कर रहे हैं ये सब तप है, कथा गाना, कथा सुनना, गंगा दर्शन, पुण्य दर्शन, संत दर्शन, तीर्थ यात्रा, ये सब तप है। इसका फल हम भोगेंगे यह अनिवार्य नहीं है। और संसार का सामान बढ़ना, रुपया बढ़ना, घर बढ़ना, गाड़ी बढ़ना, हीरा बढ़ना, मोती बढ़ना, सामान बढ़ना, आश्रम बनना, प्रॉपर्टी होना, ये भगवत कृपा नहीं है, ये तो अपना अपना प्रारब्ध है। तो भगवत कृपा क्या है? तो भगवान में प्रीति बढ़ना, ये भगवत कृपा। संसार का सामान तो कैसे भी एकत्र हो सकता है हो, परंतु भगवत प्रीति ये सरल नहीं है। भगवान कैसे अवतरित हुए? देख प्रीति
सुनि बचन अमोले तब एव करुणा निधि हो। ऐसा ही होगा एवं अस्तु ऐसा हो भगवान बोले। हम जो कर रहे हैं यह मानकर चले कि हम जो कर रहे हैं इसका फल हमको मिले न मिले हमारे आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। मैं स्वयं आप सभी लोग ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है उतना ही कमाता हो जिसका फल वो भोगे। कल मैं बच्चों से कह रहा था कि देखो संसार के सुख का और अर्थ एकत्रीकरण का कोई सीमांकन नहीं भया। आपने अखबारों में पढ़ा होगा समाचार में सुना होगा बोरा तो क्या बाथरूम में रुपया रखते हैं लोग उसके ऊपर से टाइल्स लगवा के क्या क्या कर देते हैं कहो। लेकिन उनसे पूछिए क्या मन भरा नहीं नहीं एक बाथरूम रह गया है और बच्चों वाला बेड भी खाली है क्यों। इसकी कोई सीमा ही नहीं है हो जगत के सामान एकत्रीकरण की मित्रों माताओं कोई सीमा नहीं है। छूट जाएगा यही रह जाएगा। परसों सुनाया था चलने वाला तीन ही प्रोग्राम है मन की सहजावस्था जो परमात्मा में रमे। धर्म में हमारी रुचि क्योंकि धर्म व्यवहार जीवन के साथ भी है जीवन के बाद भी रहेगा। अब पुण्य एकत्रीकरण क्योंकि पुण्य के ही प्रभाव से हमको आपको अगला कुल प्राप्त होगा कि हमारा जन्म किस कुल में होना चाहिए। अरे भाई सामान तो वैसा संग्रह करना है कि अब भी काम करे और तब भी काम करे नहीं करे तो इस संसार के एकत्रीकरण का कोई मोल नहीं है। जैसे नहीं करेगा कैसे जाएगा नहीं जाएगा धेला न जाएगा हो। अरे मन ये दो दिन का मेला रहेगा कायम न जग का झमेला रहे रे मन ये दो कुल दो दिन का खेला है। मैं किसी को विरक्त नहीं करने देता न रहने देता। मेरा जो है सो है जो संसार में है वो संसार में पूर्ण आनंद पूर्वक रहते हुए और भगवान में मन कैसे रमाए यही हमारी राम कथा का हेतु है। रहिए जगत में मन को परमात्मा लगाइए व्यवहार को पुण्यमय बनाइए आचरण को धर्ममय सजाइए आप भी सुखी हम भी सुखी। राम जी किसके घर आए धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। धर्म की धुरी को जो धारण करेगा उसी के घर भगवान आते हैं उसी के घर ज्ञान तत्व आता है उसी के घर शीलता उतरती है। आज कहाँ गया तुम तो विदेशी आदमी हो ये दोनों बच्चे मेरे साथ रह रहे विदेशी लोगों से दोनों पास में बैठो राजकुमार और शेखर बाबू इधर सामने आओ। अरे बहू यहीं रहेगी कहाँ जाएगी तक अगल बगल बैठो हम दिखाई तो पड़ते रहो। देखो जितना मेरे साथ रहोगे उतने रस में रहोगे। होटलबाजी करोगे अयोध्या वाली तो फिर आनंद नहीं आएगा। मेरे साथ रहो 24 घंटा संत दर्शन में चलें तो पीछे पीछे दौड़ो तुरंत है क्योंकि एक सेकंड में बदल जाता है कार्यक्रम। गुरुदेव भगवान की कृपा हुई भाग के पहुँचे साथ रहे पिता के और सदगुरु के साथ रहने का अभ्यास करो। जितना रगड़ोगे उतना रस आएगा और घर में रहो तो बच्चों के साथ रहने का अभ्यास करो। रगड़ा है
देखिए हमारे पंचानन जी रगड़ रहे हैं, रस में आ गए हैं। अब चौपाई पूछे थे तुरंत ही निकाल देते। वो तो रस रगड़े से नाई हो रगड़े। हमारे श्री अवध में एक दिव्य महापुरुष हुए, क्या हो राम रगड़े दास जी। क्या बात। तो पांच कारण आपको सुनाया था, एक कारण श्री महाराज जी लिए हैं, इसको ये सुनाते चले जा रहे हैं। फिर भी इनके कारण का हम कथा के अंदर पटाक्षेप करते हुए जन्मोत्सव की तरह बढ़ रहे हैं। देखिए भगवान किसके घर आए, आज तो धर्म धुरंधर महाराज के घर आए। गुण के खजाना चक्रवर्ती महाराज के घर आए, ज्ञानी महाराज के घर आए। ज्ञानी क्या, परमात्मा नित्य है ये जानना भी और मानना भी, ये ज्ञानी का स्वभाव है। परमात्मा नित्य है यह जानना भी, देखिए जानते आप सब लोग हो, मानते कम लोग हैं। यह जानना कि भगवान ही नित्य है और यह मान लेना कि भगवान के अलावा शेष सब अनित्य है, यह ज्ञानी है। हमारे चक्रवर्ती महाराज ने राम भजन संग्रह किया। मनुष्य क्या होता है, जो सोचता है वो ही होता है। आपने कभी मदारी का खेल देखा हो, मदारी अपने जमूरे को ऐसे ऐसे घुमाता है, जो जंतर उसका होता है, जंतर घुमाता है घुमाता है घुमाता है, फिर वो बता देता है कि तुम ये हो, फिर वो जो जो बोलता है जमूरा वही करता है। जमूरा जो कहेगा मदारी वही करेगा। हम आप क्या हैं, सरकार के खिलौना हैं, हो वही तो खिलाने वाले हैं। सरस्वती जी क्या है, अतो कठपुतली। इसी तरह हम आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, हम आप यंत्रवत चलते हैं, हम आप एक यंत्र हैं। जैसे राम जी चलाते हैं वैसे हम आप चल रहे हैं। अपने मन से कोई करे अन्यथा अस नहीं कोई। अब क्या करना है, वह करना है जो भगवान हमसे कराना चाहते हैं। भगवान जो नहीं कराना चाहते हैं वो नहीं करना, भगवान जो कराना चाहते हैं वही हमको करना है, अन्यथा नहीं करना है। भगवान हमसे कराना चाहते हैं इसका पता कैसे चलेगा, जैसे हम कथा गा रहे हैं, प्रारंभ से अब तक हम कथा गाने में कोई प्रयास नहीं करते, ना कुछ सोचते, जो हमसे सुनवाते हैं हम इनको सुनाते हैं, ये निमित्त हैं आप भी सुन लेते हैं। हमारा दैनंदिनी जीवन जब इस क्रम में उपस्थित होगा हमसे बड़ा भाग्यशाली नहीं होगा, हमसे बड़ा सौभाग्यशाली नहीं होगा। हम इसी को दैनंदिनी व्यवहार में स्वीकार कर लेंगे, हम धन्य धन्य हो जाएंगे। कुछ नहीं करना, जब हम धर्म में बहते हैं तो सहज रहते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।